दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया में वापसी करते ही पंत ने लगाई दहाड़। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा कोहराम, थर थर कांप उठी वेस्टइंडीज की धरती। तो उनका साथ निभाते हुए शुभमन गिल के बल्ले ने भी एक नया इतिहास लिखा। तो आखिर कैसे टीम इंडिया के दोनों उभरते सितारों ने वेस्टइंडीज की शामत ला दी, कितने चौके छक्के बरसाए दोनों ने मिलकर, उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत और गिल में कौन सबसे घातक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऋषभ पंत ने अब अपनी वापसी का शंखनाद कर दिया है। 8 महीनों के बाद हमें ऋषभ पंत का जादू एक बार फिर से देखने को मिला और वेस्टइंडीज की धरती पर उतरते ही उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जिसे देखने वालों तक की रूह कांप उठी। वहीं भारतीय फैंस के लिए तो छप्पर फाड़ के खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें गौरतलब है कि टीम इंडिया को 12 जुलाई से वेस्टइंडीज दौरे पर जाना है, जहां 2 टेस्ट मैचों के साथ 3 वनडे और 5 T20 मैचों की रोमांचक सीरीज होने वाली है। इसके लिए BCCI ने कमर कस ली है, जहां एक तरफ टेस्ट मैचों और वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं। और वेस्टइंडीज की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में ही अपने बल्ले से धमाल मचा दिया। जी आपको बता दें ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया शुभमन गिल ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने अकेले ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की शामत ला दी, जहां पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आते ही कब्र के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की तो सचिन के उत्तराधिकारी गिल ने भी विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका जड़कर अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखा दिए। बस फिर क्या था, इन दोनों को शुरुआत मिल चुकी थी, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब इनका बल्ला गरजता है तब बड़े से बड़े गेंदबाजों की शामत आती है, यह हमने इतिहास में देख रखा है और आज दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत तो एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी के लिए सामने आते ही उनके लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे अखिल हुसैन, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंत स्पिन गेंदबाजों पर कहां रहम करते हैं। उनका स्वागत ही पंत ने मिडऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया तो फिर उस ओवर में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 27 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओपनर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर दूसरे छोर पर खड़े गिल से लेकर रोहित कोहली भी दंग रह गए। इसी के साथ पंत ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और वापसी करते ही उन्होंने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एक तरफ से पंत गेंदबाजों की शामत ला रहे थे तो दोस्तों दूसरी तरफ से टीम इंडिया के प्रिंस ने शुभमन गिल भी उनके लिए काल का दूसरा नाम बने हुए थे। दोनों छोरों से वेस्टइंडीज की खूब पिटाई हो रही थी, गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे, किसी पर भी ये दोनों गेंदबाज रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। रफ्तार के सौदागर अलजारी जोसेफ के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोर कर गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ उन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन की हालत बद से बदतर थी, वह सोच रहे थे कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों को रोका जाए, लेकिन इन्होंने अकेले ही वेस्टइंडीज के सभी इरादों पर पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, वापसी करते ही ऋषभ पंत बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। जोसेफ से लेकर जेसन होल्डर, अखिल हुसैन सभी गेंदबाजों पर यह दोनों कहर बनकर टूट पड़े। नतीजा यह हुआ कि पंत 96 के तौर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वह यहां जल्दबाजी कर बैठे। जेसन होल्डर के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में उनका बाउंड्री पर आसान से कैच निकोलस पूरन ने ले लिया और इस बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा। लेकिन वेस्टइंडीज की खुशियों को गिल ने ज्यादा देर नहीं टिकने दिया, उन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी जारी रखी। दोस्तों आखिरकार शुभमन गिल ने ऋषभ पंत का बदला लेते हुए केवल 40 गेंदों में अपना खौफनाक शतक पूरा किया, वह भी गेंद को स्टेडियम के बाहर मारकर। उनका वह अद्भुत छक्का देखकर हर कोई दंग रह गया। तो वहीं इन दोनों सितारों ने अकेले दम पर ही वेस्टइंडीज को घुटनों पल्ला दिया। अपनी इस पारी के दौरान गिल ने 9 घातक छक्के लगाए तो वहीं ऋषभ पंत ने 8 खौफनाक छक्कों और 5 चौकों से अपनी पारी को सजाया था। इन दोनों की अद्भुत बल्लेबाजी देखकर भारतीय फैंस भी खुशियां सातवें आसमान पर है। हालांकि दोस्तों यह केवल अभ्यास मैच की कहानी थी, लेकिन इसमें अंदाजा लग जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस मैच में ही इस कदर आया तो असली मुकाबले में तो क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बार फिर से शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अरे ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।